हेलो शिक्षक अभ्यर्थी, आप सभी का एग्जाम डेट और शेड्यूल आ चुका है। कितने पाली में एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, महिला का कब होगा, पुरुष का कब होगा, हर एक जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो बस आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। जैसा कि आप सबसे पहले टॉप पे देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये सूचना निकाली गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या यहाँ पे मेंशन है 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 24/8/2023। आपको पता है कि 24/8/2023 से लेकर 26/8/2023 तक दो बैठकों, मतलब दो पाली, प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली में, और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है निम्नांकित कार्यक्रमानुसार राज्य स्थिति सभी जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या लिखा गया। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया परीक्षा की तिथि, फिर यहाँ पे लिखा गया प्रथम पाली, जो कि प्रथम पाली कितने से कितने बजे तक है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। फिर यहाँ पे लिखा गया है द्वितीय पाली, जो कि कब से कब तक है, 3:30 से 5:30 तक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, सबसे फर्स्ट पेपर कब है, 24/8/2023 गुरुवार, जो कि डे है, और वहाँ पे क्या है, सामान्य अध्ययन सबसे फर्स्ट पेपर है यहाँ पे 10 बजे से 12 बजे तक 24/8/2023 को। वर्ग कितना से कितना तक करिए, तो 1 से 5 तक के पुरुष अभ्यर्थी के लिए, ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी के लिए फर्स्ट पाली में है। वहीं पे अगर हम सेकंड पाली की बात करें तो यहाँ पे है सामान्य अध्ययन सेम, वर्ग एक से पाँच तक के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे महिला के लिए 50% यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है, इसी के लिए जो है यहाँ पे प्रथम पाली में पुरुष को सिर्फ रखा गया और द्वितीय पाली में देख सकते हैं महिला का अलग यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। तो बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, प्रथम पाली में यहाँ पे एग्जाम पुरुष के लिए है और द्वितीय पाली में यहाँ पे एग्जाम महिला के लिए है। अब देखिए अगेन यहाँ पे हम 25/8/2023 को देखें सेकेंड डे, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज पेपर होता है भाषा का, वो यहाँ पे है। अगेन यहाँ पे 25 को भी हम देखेंगे तो फर्स्ट पाली में है सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और यहाँ पे अगर देखेंगे सेकंड पाली में तो है सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ पे भी अगेन सेम करा गया है। अब देखिए 26 को अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो 26/8/2023 जो कि शनिवार है डे, यहाँ पे सामान्य एवं अध्ययन एवं विषय, सामान्य अध्ययन जैसा कि आपको पता है कि सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वो आपका होगा, एवं अन्य विषय जिस भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग 9 से 10 तक के अभ्यर्थियों के लिए इसमें समीक्षा रहेगा। वहीं पे अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन एवं विषय, ये सेकंड द्वितीय पाली की है, ये कब से किसके लिए है, वर्ग 11 से 12 तक के अभ्यर्थियों के लिए, ये 11 से 12 तक के अभ्यर्थियों के लिए है, ध्यान देने वाली बात ये है, और ये 9 से 10 तक के लिए। तो अगर आप 11 से 12 वाले में हैं तो आपकी द्वितीय पाली में है, मतलब 3:30 से 5:30 बजे तक, और अगर आप 9 से 10 वाले हैं तो प्रथम पाली में है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है। जैसा कि अगर हम फर्स्ट नोटिस की बात करें तो क्या लिखा गया है, अभ्यर्थी प्रवेश पत्र तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पूर्व अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर, जो 25 KB का फोटो जो है कन्वर्ट करना है आपको, अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड कर लेंगे, एवं उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड जो है में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें केंद्र कोड, सेंटर कोड जो होता है, एवं जिला का नाम अंकित रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे सभी अभ्यर्थी प्रति पाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे, एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द कराना सुनिश्चित करेंगे। देखिए कुछ यहाँ पे अपडेट दिए गए, इंपॉर्टेंट अपडेट आपको ध्यान देने की जरूरत है। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 21/8/2023 से उपलब्ध कराई जाएगी, जो भी आपका सेंटर कोड है 21/8/2023 को उपलब्ध करा दी जाएगी। दिनांक 10/8/2023 से परीक्षा के 4 दिन पूर्व तक, अर्थात दिनांक 20/8/2023 तक प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे। 20/8 तक आपको प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेना है। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व तक प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ध्यान देना कि आपको 1 घंटा पहले ही इंटर कर देना, उसके बाद प्रवेश जो है बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड OMR आंसर शीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। जब जो वहाँ पे सेफ सील्ड, जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले कि सेफ सील्ड होने वाला, उस सेफ सील्ड में OMR सीट लॉक कर दिया जाएगा, उसके बाद ही वहाँ पे परीक्षा केंद्र से आपको बाहर निकलना है, परीक्षा रूम से आपको बाहर निकलना है। तो यही थी लेटेस्ट अपडेट जो आपको देना चाहता था, और यहाँ पे देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं लास्ट में देना चाहूँगा, उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 10/8/2023 से प्रवेश पत्र ई एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो 10/8/2023 मतलब बोले तो 5 दिन बाद से जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये भी प्रॉपर डाउनलोड कर लेना। और बिल्कुल भी यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट।